हेलो एवरीवन, आजकल हम लोग फ्रीडम फाइटर्स मतलब स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं और हम स्पेशली उन फ्रीडम फाइटर्स की बात कर रहे हैं जिन्हें हम नहीं जानते। तो आज हम जिस फ्रीडम फाइटर की बात करेंगे उनका नाम है बाबू गेनू। बाबू गेनू का जन्म 1908 में हुआ था और बहुत ही कम आयु मतलब 22 वर्ष की आयु में वे शहीद हो गए। 1930 12 दिसंबर 1930 को वे शहीद हो गए। बाबू गेनू एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया एंड वो मुंबई महाराष्ट्र में रहते थे। वे कॉटन मिल में काम करते थे और बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे प्रोटेस्ट के, जहां हमारे उस टाइम फ्रीडम फाइटर्स के जितने भी प्रोटेस्ट हुआ करते थे उनमें वो भाग लिया करते थे। 12 दिसंबर 1930 की रात को क्लॉथ मर्चेंट जॉर्ज फ्रेजियर बहुत सारा फॉरन का बना हुआ कपड़ा मुंबई पोर्ट पर लेकर जा रहा था और उसको पुलिस प्रोटेक्शन दी जा रही थी और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो एक्टिविस्ट होते हैं वो लोग वहां से ट्रक को ले जाने नहीं दे रहे थे। ऐसे में बाबू गेनू ट्रक के सामने लेट गए और उन्होंने बोला कि ट्रक उनकी डेड बॉडी मतलब उनकी लाश के ऊपर से ही जा सकता है। तो पुलिस ऑफिसर ने ट्रक के ड्राइवर को बोला कि इनके बॉडी के ऊपर से ट्रक को चला दीजिए, क्योंकि ड्राइवर भी इंडियन था। उसने मना कर दिया कि मैं इंडियन हूं तो मैं दूसरे इंडियन को ऐसे नहीं मार सकता। उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर ड्राइवर की सीट पर बैठा और उसने बाबू गेनू की बॉडी के ऊपर से ट्रक चला दिया और इस तरह बाबू गेनू शहीद हुए। बाबू गेनू के नाम पर बहुत सारे लैंडमार्क्स बनाए गए हैं, जैसे बाबू गेनू ग्राउंड नवी मुंबई में महाराष्ट्र, बाबू गेनू सेटवाड़ी इन महलगुने पाडवाल पुणे, बाबू गेनू चौक वो भी पुणे में, एंड शहीद बाबू गेनू रोड साउथ दिल्ली में। तो बच्चों, आज हमने बाबू गेनू के विषय में जानकारी एकत्रित करी, ठीक है। और हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आजाद कराने में अपने जीवन का बलिदान दिया। सो बच्चों, हम लोगों को इन्हें याद रखना चाहिए और हमें भी अपने कंट्री को जैसे भी हो सर्व करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।